अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है ईद का सेकंड डे, थर्सडे है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों की आज ईद का फर्स्ट डे है, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर पे ओपन हाउस। ओपन हाउस इसको कहते हैं कि आप बहुत सारा खाना बनाते हैं ईद का, ज़बरदस्त किस्म का। जितने आपके जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको ओपन इन्विटेशन देते हैं कि आप ईद वाले दिन आएँ, हमारे साथ मीठा शेयर करें, खाना खाएं, इंजॉय करें और हमारे साथ ईद को सेलिब्रेट करें। तो आज मेरे घर में चल रहा है ज़बरदस्त किस्म का ओपन हाउस। मैंने बहुत दिन लगा के इसकी तैयारी की है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है मेरे घर में। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारी सेटिंग है, जिसके ऊपर हमने जो है चीज़ें सेट करके रखनी है। नीचे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, उन बॉक्सेस के अंदर जो है वो बच्चों ने गिफ्ट्स डाल के रखे हैं, ईदी गिफ्ट्स सब बच्चों के लिए। यहाँ पे अब्दुल समद तैयार हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे ना निहारी बन रही है। मैं अभी ईद जो है हम लोग आज फर्स्ट डे सेलिब्रेट किया है और अब सेकंड डे है, तो हम लोग बना रहे हैं सुबह सुबह निहारी। अंडे बॉईल कर रहे हैं, इसके साथ चने हम लोग बनाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमारी सेकंड डे की क्या क्या प्रेपरेशंस हैं। निहारी के लिए अभी मीट जो है ना, इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज जो है फ्राई करके रख ली है ना, मैंने अच्छी तरीके से निहारी का जो मीट, अच्छा जी इसमें निहारी का जो मीट है ना, ये मैंने इसमें बोन का जो मीट होता है वो लिया, और मैं सारी हड्डियाँ और जो मीट है उसको मैंने फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर निहारी मसाला डालने लगी हूँ शान का, और इसको ना बहुत ही आराम से इसको पलटाऊँगी। बहुत मुश्किल है काम। तो ईद के सेकंड डे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही मैं स्टार्ट हो गई थी खाना पकाने के लिए। हम लोग सब लोगों ने मिलके एफर्ट की, हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे। आपको जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया भी हुआ है, देवर और देवरानी, उन्होंने भी कम्प्लीटली सब लोगों की मिलजुल के एफर्ट थी, सब लोगों ने मिलजुल के खाना बनाया। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और अपनी चमचें, खर्चियाँ सब कुछ पकड़ के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ निहारी। उसके अलावा और भी डिशेस बना रही हूँ, पाए बना रही हूँ, साथ में चने अंडे बना रही हूँ। यहाँ पे हमारी निहारी जो थी वो तकरीबन रेडी हो गई थी अभी, और 10 बजे हमारे गेस्ट की अराइवल का टाइम था। पूरे 10:30 बजे गेस्ट जो थे वो आ गए थे। उसके बाद मैं फटाफट खाना तैयार करके रख रही हूँ। चने मेरे रेडी हो चुके हैं, चने मैंने सर्व कर रही हूँ, उसके साथ मैं उसके ऊपर बॉयल एग्स डाल रही हूँ फर्स्ट सर्व में। तो यहाँ पे मेहमान जो है हमारे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए नाश्ते के लिए ये रख रही हूँ। इसके साथ हम रोटियाँ लेके आए थे, काफ़ी सारी फुटेज ऐसी है जिसको मैं शूट नहीं कर सकी। हमारे मेहमान अपने साथ शीर खुरमा साथ लेके आए हैं, ईद का मीठा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सादिया जो है वो पुलाव डाल रही हैं, जो मेरी देवरानी है, और यहाँ पे हम जो है ना खाना ईद का जो था वो रेडी हमने कर लिया हुआ था। इसके अलावा जो बैठने की अरेंजमेंट थी वो तो हमने ऑलरेडी जो थी वो सेट कर ली हुई थी। कुछ जेंट्स का जो इंतज़ाम था वो हमने बाहर सेट किया था, लेडीज़ का इंतज़ाम अंदर वाली सिटिंग में हमने रखा था। ये हैं चने, चने के बाद सेकेंड डिश है पाए, और थर्ड डिश है निहारी, उसके बाद है पुलाव, चिकन पुलाव, और इसके साथ है चना चाट, शीर खुरमा है, उसके अलावा फ्रूट ट्राइफल है मेहमानों के लिए। और इसके अलावा ये जो शीर खुरमा है ये मेरी फ्रेंड फिज़ा लेके आई थी, थैंक यू सो मच फिज़ा। उसके बाद जो है मैंने सब मेहमानों के साथ ये शेयर किया। इसके पीछे आपको टी कॉर्नर नज़र आ रहा होगा, सेल्फ सर्व सिस्टम है टी कॉर्नर का, कि खुद आएँ, खुद अपनी चाय बनाएं और ले जाएं। नान को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया है। निहारी के लवाजमात भी मैंने साथ रख दिए हैं, थोड़ा सा उनको कवर करके रख दिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर, मेरी वीडियोज़ में अक्सर आपको नज़र आता होगा। इसको मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी से ऑन किया हुआ है, और मैं गर्मा गर्म रोटी को उसी टाइम पर टोस्ट करके सब लोगों को सर्व करती जा रही थी, जैसे जैसे फैमिलीज आ रही थी। क्योंकि ये ओपन हाउस था तो सारी फैमिलीज इकट्ठी नहीं आई थी, एक फैमिली आई, फिर उसके बाद उनको हमने सर्व किया। जैसे ही वो गए तो साथ ही दूसरी फैमिली, यानी कि एक फैमिली आती जा रही थी, खाते जा रहे थे, थोड़ी देर बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे और जाते जा रहे थे। तो इसी तरह से ना फैमिलीज जो थी वो आती रहीं 10 बजे से लेकर तकरीबन ये सिलसिला 8:30-9 बजे तक जारी रहा। हमने टाइम जो था वो 4 बजे का दिया हुआ था, लेकिन लोगों को आते दूर दूर से फैमिलीज आ रही थी, और तकरीबन 51 लोगों ने जो है वो आज हमारे घर में ईद जो थी वो बच्चों समेत उन्होंने हमारे साथ इंजॉय की, सेलिब्रेट की। ये हम लोगों ने खाना बना के रखा था, बहुत सारे लोग अपने साथ मीठे लेके आए थे। ये है मर्दों का अरेंजमेंट जो कि हमने बाहर किया था। हमें आइडिया था कि गेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसी वजह से हमने शेड से लगा ली थी ताकि जो है छांव रहे। उसके अंदर डाइनिंग भी हमने लगा लिया था ताकि मर्द वहाँ पर बैठ के खा सकें।
ये मेरा गिफ्ट जो है वो फिज़ा लेके आई है मेरे लिए, और ईद गिफ्ट, और उसके बाद ये मेरा सेकंड गिफ्ट है जो कि हिना की तरफ से आया है। बाद में मैं आपको गिफ्ट्स भी ओपन करके दिखाऊंगी ईद के लिए हमारे कैसे मज़े मज़े के और प्यारे प्यारे तोहफे आ रहे हैं। इनको मैं अभी फ़िलहाल संभाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमानदारी है, बहुत ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। ये देखें जी, ईद का तीसरा मीठा ये है जी मिठाई, और चौथा मीठा आपको दिखा रही हूँ ये है केक, बहुत ही ज़बरदस्त केक है, थोड़ी देर के बाद ओपन करूँगी। अब आप देखें ये टेबल भरता जा रहा है स्वीट्स के साथ, पीछे टी कॉर्नर है, इसके साथ रोटियाँ आती जा रही हैं और मेहमान खाना खाते जा रहे हैं। सब मेहमानों को यही टाइम दिया गया था कि आप लोग सुबह सुबह आएंगे और नाश्ता आप हमारी तरफ करें, तो जब मेहमान आ गए उसके बाद हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। सबको खाना बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द मोस्ट पॉपुलर आइटम वाज पाए। सबको पाए बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि पाए यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स पे भी इतने खास नहीं मिलते। बच्चे अपनी सिटिंग बना के बैठे हुए हैं, मर्द आपको दिखा रही हूँ कि अपनी सिटिंग जो है वो बना के इंजॉय कर रहे हैं, और ख़वातीन जो हैं वो अपनी सिटिंग्स में इंजॉय कर रही हैं। बीच में एक ऐसा भी वक्त आया जहाँ पे दो दो तीन तीन फैमिलीज जो थी वो इकट्ठी आ गई थी, जिसकी वजह से बड़ी रौनक लगी, बड़ा मज़ा आया, सब लोगों ने ईद को बड़ा ज़बरदस्त इंजॉय किया। यह मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ा यमीलिशियस किस्म का केक, यहाँ पर हमने गुडी बैग्स भी रख दी हैं, जितने बच्चे घर आए थे सबको हमने गुडी बैग्स भी शेयर किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है खाने का चौथा पांचवा राउंड चल रहा है, और मैं खाना कॉन्स्टेंटली गर्म कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, मीठे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, मेहमान बहुत ज्यादा अब इकट्ठे जो है ना बहुत ज्यादा मेहमान आ चुके हैं, तो सबको माशाल्लाह खाना हम लोगों ने सर्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सबको खाना बहुत पसंद आ रहा है। सबसे मेन डिश जो सबको ज्यादा पसंद आ रही पाए हैं, पाए सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो उसकी रीफिल इतनी कम हो चुकी है कि मुझे उम्मीद नहीं थी। ये है पाए की हालात। अब मेरे जो शाम को मेहमान आने हैं उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से पाए बना लूँ, तो अभी मैं दोबारा स्टार्ट करने लगी हूँ, अभी मेहमानों को खाना रख के आई हूँ, अब यहाँ पे पाए बनाने लगी हूँ दोबारा से। चौथा राउंड है जी माशाल्लाह से, ये हमारा निहारी का चौथा राउंड जा रहा है। बोले फिर बंद करें, एक मिनट बंद करना बेटा, ठीक है ये ले जाओ। हाँ ले, ये रख ले, ठीक है। हाँ इसमें ऐसे ऐसे करते जाए, ठीक होगा। मेहमानों की तादाद थी बहुत ज़्यादा 50+, इसी वजह से हम लोगों ने चाय जो थी वो बार बार नहीं बन सकती थी, खाना बार बार बनता जा रहा था। पाए जो थी वो हम लोगों ने इंग्लिश टी रखी थी, और यहाँ पे मैं मर्दों को चाय जो थी भिजवाती जा रही थी, औरतों को भी भिजवाती जा रही थी, और जिस जिस को चाय पीनी थी वो खुद भी उठ के जो है ना सब लोग बना रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि बहुत सारी फैमिलीज़ तो जा चुकी थी, फिर हमें याद आया कि जो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं उनके साथ एटलीस्ट थोड़ी सी पिक्चर्स बनवा लेते हैं, क्योंकि फिर आपकी एक मेमोरी बन जाती है कि बहुत सारे लोगों ने आपको विजिट किया था, और दूसरे कुछ लोगों की प्राइवेसी रीजंस की वजह से उनके साथ मैं अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं कर रही। सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सुबह से लेकर अभी दोपहर तक का टाइम हो चुका था, और इनमें कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ नेबर्स हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे घर पर आए, ईद इंजॉय की। सब लोग इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ईद वाले दिन, सबको देख के इतनी खुशी होती है जब सब लोग अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। चले ईद मुबारक, ईद मुबारक, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। और ये हमारी स्पेशल भाभी हैं जिनका नाम है फातिमा भाभी, और ये जो हैं इन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया, और माशाल्लाह इनकी सेकंड ईद है, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि हमें जो है ईद के फीस्ट में ज्वाइन किया। और दूसरी जो मेरी फ्रेंड थी एनी, उनका भी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, फर्स्ट टाइम वो मेरे घर आई थी, और इसके बाद एदिन के साथ हमने पिक्चर्स ली, और उसके बाद सेकेंड बैच ये हमारा बहुत सारी फैमिलीज़ अभी होके जा चुकी हैं, और ये शाम के टाइम जो है ना सेकेंड बैच है, इसमें हमारे पास जो है ना मेरी जो इंडियन फ्रेंड है वो आई थी, इंडियन मुस्लिम जो हैं। अब मैं आपको इनकी बेटी दिखाती हूँ, तालिया ने बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने आज पहना है खड़ा दुपट्टा। मुझे भी कल ही पता चला कि इसको खड़ा दुपट्टा बोलते हैं, इतनी प्यारी लग रही है, इसको क्या बोलते हैं जो इसमें पहना है? खड़ा दुपट्टा। चलो आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, खड़ा दुपट्टा। इसकी क्या वो नीचे क्या पजामा ब्राइड पहनती है हैदराबादी? हाँ, चुड़ीदार पजामा होता है।
चूड़ीदार पजामा और दुपट्टा इतना प्यारा सेट किया हुआ है इसने। रोटी लेके आ रहा हूं कासिम। नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। की बेटी ने इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, इतना अच्छा पिनअप करके सेट किया हुआ था ना कि मैं देख के हैरान रह गई। मुझे तो यही जेन में आ रहा था, अगर मारूश होती मेरी बेटी होती वो तो उतार के कप का फेंक चुकी होती। सब लोगों ने खाना इंजॉय किया, मेरी फ्रेंड आतका भी आ चुकी थी, हुसना भी आ चुकी थी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये बड़े जो है वो नसीब की बात होती है कि कोई आपके घर आए, ईद का फीस्ट आपके साथ इंजॉय करे। इसके बाद हम अपना रिचुअल तो भूल नहीं सकते, सब बच्चों को केक कटवाना मेरी जो है वलीन तरजीह होती है। सारे बच्चों को मैंने इकट्ठा कर लिया जो इस टाइम पे मौजूद थे, मैंने कहा चलो जी ये हैप्पी ईद सेलिब्रेट करते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ मैं कैसे ईद सेलिब्रेट कराई सबके साथ। बच्चों के मुंह से अच्छा जी, तो ये है वो ओरिजिनल केक, बहुत ही प्यारा। ये मेरी फ्रेंड एनी लेके आई थी, बहुत प्यारा केक था। और ये थी प्योर देसी की मिठाई जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों को हमने सामने रखा और केक कटवाया तो इसके टुकड़े टुकड़े क्या इसका कीमा हो चुका था। तो इसके बाद हमने आतका से वर्ल्ड बेस्ट चाय बनवाई मेहमानों के लिए जो रात को बैठे हुए थे। उनके नसीब में था कि वो आतका के हाथ की वर्ल्ड बेस्ट चाय पियेंगे और जो सुबह वाले मेहमान थे उनके नसीब में था कि वो मेरे हाथ की इंग्लिश टी पियेंगे। तो खैर मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया, हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। तो रात को 8 बजे तक तकरीबन मेहमान हमारे घर पर बैठे हुए थे। उसके बाद जो है मैं आतका को उसकी सामग्री वापस कर रही हूँ। कुछ खाना वगैरह जो जो मेहमानों के नसीबों में था उनको थोड़ा बहुत मैंने डाल के दिया था। और उसके साथ ही हमारी ईद जो थी वो समाप्त हो रही है और यहाँ हम लोग बस जो है ना टाटा बाय बाय करते करते औरतों की जो आते होती हैं बहुत सारी बातें करना वो कर रहे हैं। और इसके बाद हमने किया था एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़। और आज का दिन इतना अच्छा गुजरा, इतना अच्छा गुजरा, सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी। आई होप जो लोग हमारे घर आए थे उन सब ने, लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। ये जादू भी कराई है ना इस वजह से हाँ, खाना अच्छा बनता है। फिर मांग मांग के कुछ से ले आते जब ज्यादा अच्छा खाना बना रहा है। काम की चीज है ये, सबको देनी चाहिए, सबको मांग भी चाहिए। तो यहाँ पे जाते जाते आतका ने कर दी सगे दोस्तों वाली बात। मैंने आतका से कढ़ाई मांग के लाई थी और इसमें खाना बनाया, बजाय कि उसने ये कहा कि खाना अच्छा बना था उसने कहा कि मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी है, खाना इसमें बनता ही बहुत अच्छा है। तो खैर आप तो समझ ही सकते हैं दोस्तों में ये बातें होती रहती हैं, यही तो शुगल मेले के दिन होते हैं और यही तो बातें होती हैं शुगल वाली। यहाँ पे हम लोगों ने मांग तांग के कढ़ाइयाँ ला के खाना शाना पका लिया है, सबको खिला दिया है, बड़ा मज़ा आया। सब लोगों ने आपको भी ईद मुबारक विश कर दी है। एक फैमिली को टाटा बाय बाय कर दिया है और बस अब तकरीबन जो है समेट रहे हैं साथ साथ हम किचन को और घर को और साथ साथ बाय बाय कर रहे हैं। कैमरे को देखिए, हाथ दिला दे आपके साथ छोटा सा मजाक किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय तालिया, बाय। अच्छा नॉर्मली जोहान मुझे बाय करता है, तालिया घर की जा चलो। ये फिजा लेके आई है, बहुत अच्छा है। और ये भी लेके आई थी, वो मैंने सबको खिलाया भी है। और थैंक यू सो मच फिजा। अच्छा जी, फिर उसको हमने खोला है, ये हिना जो है उसने भिजवाया था मेरी तरफ। अभी हम इसको खाएंगे। आई थिंक ये दो वासेस हैं। ये बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच हिना, बहुत प्यारे हैं। मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी इसको, मैं कैसे डेकोरेट करूंगी अभी। वो ब्लैक वाला, ये ब्लैक। आप पीछे हो जाओ। ये लेके आई हैं हुसना,
कृष्णा लेके आई है बहुत प्यारा सा गिफ्ट, उसमें कुल लिखे हुए चार, बहुत प्यारी। ये मैं ना अपने रूम में लगाऊंगी, बल्कि हम अपने ना घर में एंट्रेंस के ऊपर ये लगाएंगे कॉर्नर, ये चारों कुल जो है ना वहाँ पे नजर आए डिस्प्ले में, बड़े अच्छे कैलीग्राफी हुए इसके ऊपर। थैंक यू सो मच हुस्ना, सब्सक्राइब। बाकी सब लोग जो हैं वो इतने मीठे, हर तरह के मीठे लेके आए हैं, मिठाइयाँ लेके आए हैं। प्योर देसी की मिठाई जो मैंने आपको पहले बताया था बड़ी अच्छी होती है, वो हमारे घर आई थी और वो सारी अब खत्म हो चुकी है, सारे गेस्ट ने एंजॉय की है। मरियम कुकीज लेके आई है, वो बड़ी जबरदस्त कुकीज है, मैं बल्कि उससे पूछूंगी वो कहाँ से लेके आई, फ्रेश कुकीज थी। और उसके अलावा जो थी डोनट्स लेके आए हैं, बहुत सारे तरह के ना मीठे आए हैं, शीर खुरमा आया है, बहुत सारे मीठे आज हमारे घर में आए हैं और सारे गेस्ट को मैंने सर्व किए हैं, सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उनको। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए हैं ईद सेलिब्रेट करने हमारे घर, हमारे साथ उन्होंने ईद सेलिब्रेट किया है, खाना पसंद किया है, ईद का फीस्ट इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच सबको, बहुत ज्यादा मेरी तरफ से ईद मुबारक और बहुत अच्छी हमारी ईद गुजरी है। थैंक यू सो मच। तो ईद के सेकंड डे मैं इतनी बिजी थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी फुटेजेस बना सकती। तो खैर बहुत सारे लोगों ने हमें विजिट किया, हमारे इराकी नेबर्स हैं उन्होंने भी विजिट किया, उनसे वो उनका जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते स्पाइस लेवल, दैट्स वाई उन्होंने हमारे जितने भी मीठे थे वो ट्राई किए। और सबसे बेहतरीन बात उन्होंने हमारे पाए ट्राई किए जो कि बहुत स्पाइसी भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सब लोग हमारे घर आए और जिस जिसको हमने बुलाया था तकरीबन सब लोग जो थे ना वो रात तक आते रहे। और रात को जब सारे मेहमान चले गए तो फिर मेरी स्पेशल दोस्त जो थी हिना वो मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि वो सुबह नहीं आ सकी थी, उनकी जॉब थी। तो उनके बच्चे आए थे, उनके हस्बैंड आए थे, लेकिन रात को वो स्पेशली जो थी वो मुझसे मिलने आई थी। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी और उनके नसीब में जो कोई मीठा था मैंने उनको वो भी खिलाया और इस तरह से हमने डे का एंड किया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।